हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशु कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा सेकंड लेयर ट्यूटोरियल ऑफ 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो पहले आपको इसमें फर्स्ट लेयर बनानी आनी चाहिए और प्लस बनाने आना चाहिए। अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो मैंने बना रखी है दो, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं। तो चलिए सेकेंड लेयर बनाना शुरू करते हैं। हमें इसमें ये एच पीस लगाना है। यहाँ पर देखिए, पहले हम ऐसे शुरुआत करते हैं। तो ये लेयर हमें, ये बीच वाली लेयर है सेकंड लेयर, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें एच पीस लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। देखिए पहले ये दो सेंटर पीस देखने हमें, इसमें कौन से कलर है। यहाँ पर है ऑरेंज, यहाँ पर है ब्लू। तो इसका एच पीस ऐसा होता है, इसमें दो कलर होते हैं। तो ये देखना है, पहले इसको घुमा के देखिए आप। इसमें ही वो है, ये देखिए, ये रहा एच पीस, ये वाला। तो इसको लगाना है हमको, इसमें लगाना है। तो किस तरह होगा, ये देखिए, हमें इसको इस लाइन में लगाना है। तो हमको इसको अपोजिट घुमाना पड़ेगा यूआई। अगर इसको हमें इस लाइन में लगाना होता तो हम इसे घुमा देते इस तरह। तो पहले हमें इसे घुमाना है यू, फिर हमें इस लाइन में लगाने से, तो इसको ऊपर करना है हमको। इसको ऊपर करने के बाद ये अपोजिट हमने घुमाया था इसको यू, तो इसको यूआई घुमा देना है उसके अपोजिट। फिर ये देखिए, जब हमने इसको इधर घुमाया तो ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ जो था ये इधर आ गया। तो इस लेयर को हमें नीचे कर देना है। इसको जब नीचे करेंगे तो देखिए, ये हमारा पेयर बन चुका है, एच पीस में मिल गया आपका। देखिए यही लगाना है आपको इधर। तो ये किस तरह लगेगा, ये देखिए, ये हमें इस लाइन में लगाना है। तो इसको देखिए यू आई, उसका देखिए एफ आई करना है आपको। इस तरह आपको नहीं करना है। अगर ये पैर इस तरफ से बन रहे रहते दोनों, तब हमको एफ करना होता, लेकिन हमें अभी एफ आई करना है। तो इसको यू आई करके इधर घुमाना है आपको, फिर एफ आई। फिर देखिए, फिर आपको यू, इसमें आपका ये देखिए मिल जाएगा। फिर आपको ये एफ कर देना ऐसे। ये देखिए आपको ये लग चुका है। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। तो उसके बाद है ये, इसमें पहले कलर देख लीजिए कौन से है। यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर है ऑरेंज। तो वो एच पी ढूंढना हमको, वो एच पी इसमें होगा या इसमें। ये देखिए, इसको लगाना है हमें इधर। तो फिर से हमें इसको अपोजिट घुमाना होगा इसके, फिर इस वाली लाइन को ऊपर करना है। ये देखिए ऊपर कर दिया, फिर इसको इस तरह घुमाना है जैसे हमने पहले वाले में किया था, ये उसी तरह करना है इसको। फिर हमने इसको नीचे कर दिया, तो ये देखिए हमारा ये बन गया दोबारा। इसको उसी तरह करना है यू आई एफ आई। अब ये इसमें लगा देना आपको। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें, अब हमें दूसरा स्पेस लगाना है। यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर रेड, यहाँ पर ग्रीन। तो वो एच पी देखिए, वो एच पी यहाँ पर नहीं है, वो एच पी से इसी में, लेकिन ये गलत तरीके से लगा हुआ ही है। तो इसको हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए जिस लाइन में ये, तो उसको हमें ऊपर करना है, ऊपर कर देना है। फिर हमको उसको यू आई घुमाना है इसे। अगर ये इस लाइन में होता तो हम इसको ऊपर करते, फिर हम इसे यू घुमाते, यू। तो इसको आपको यू आई घुमाना है, फिर आपको इस लाइन को नीचे कर देना है। जब आपने नीचे कर दिया तो ये देखिए कॉर्नर पीस जो था ये यहाँ पर आ गया है। तो आपको पहले ये, उसके बाद ये कॉर्नर पीस पहले आपको लगा देना है। किस तरह, यू आई एल एल आई, मतलब देखिए पहले आपको ये सही कर देना है, पहले कॉर्नर पीस लगा देना है। अब देखिए ये एच पीस जो है ये बाहर आ चुका है, तो इसको लगाना है। फिर से अपोजिट लगेगा ये, ये देखिए हमने अपोजिट घुमा दिया ये, और ये जो लेयर है, ये लाइन है, इसको हमने ऊपर कर दिया। फिर इसको इधर, फिर ये देखिए ये बन गया हमारा। फिर इसको यू आई एफ आई यू एफ आई, ये देखिए लग चुका हमारा ये।
उसके बाद हमें लगाना है ये लगाना है हमें एच पीस। तो पहले सेंटर पीस देखिए कौन सा है, ये देखिए ये मैच कर रहा है, ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, देखिए ये सेंटर पीस से ये रेड में मैच कर रहा है, अगर ये उसमें होता तो उससे करते हम, ये देखिए इसमें मैच कर गया। तो अब आपको देखना है ये इसमें लगाना है हमें इसे। तो हम पहले इसको अपोजिट घुमाए जा रहे थे इस तरफ, लेकिन अब हमें इसके अपोजिट घुमाना है, इसको इधर इधर घुमा देना है, फिर इस लाइन के ऊपर करना है जैसे इस लाइन को हम ऊपर कर रहे थे, इस लाइन के ऊपर किया हमने, फिर आपको इसे यू इस तरह कर देना है, फिर आपको ये लाइन को नीचे करना है, ये लाइन को जब नीचे किया तो ये आ गया बन गया प्रिपेयर, फिर आपको इसे यू, अब आपको करना है एफ, पहले हम एफ आई कर रहे थे, एफ कर देना है, फिर ये यू आई, फिर आपको एफ आई करना है, ये देखिए सेकंड लेयर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिए इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो आगे वीडियो बनाऊँ वो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।